ज्यादातर लोगों को यही लग रहा होगा। इसे क्वेश्चन था कि लियान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, तो 8 मीटर यहाँ चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा 15 चला, उसके बाद फिर वह घड़ी की विपरीत ओर मतलब 90 डिग्री, घड़ी ऐसे चलेगी लेकिन ये उल्टा चलेगा, तो 8 मीटर ये चलता है, तो 8 मीटर ऊपर चला। फिर वहाँ पे उसको मिली कॉफ़ी शॉप तक पहुँचने के लिए वो 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मतलब लेफ्ट साइड जाएगा, और वो 8 मीटर चलता है, लिहान के घर तक पहुँच जाता है। तो अभी वो लिहान इस साइड पर है, लिहान के होम पर। और अब पूछा गया है कि लिहान के घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है, तो लिहान का घर यहाँ है और इसके संबंध में लिहान का ऑफिस कहाँ है, तो इसके वेस्ट साइड है, वेस्ट मतलब पश्चिम, लेकिन उत्तर जो है आप देख सकते हैं कि उत्तर 122 का इन्होंने दिया है, बी जो है ईस्ट पूर्व। तो इसका यही आंसर अभी मैं लगाऊंगा, मतलब ऑब्जेक्शन आपके सामने करूंगा, लिहान ऑफिस इसका होगा, मतलब आंसर इसका हो जाएगा आपका पश्चिम, पश्चिम की तरफ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, पहले 22 में इसमें अलग अलग दिए गए हैं, क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो क्वेश्चन तो गलत नहीं है, ऑल ऑप्शन रॉन्ग ये भी गलत नहीं है, मोर देन वन अबव इज करेक्ट, एक से अधिक उत्तर सही ये भी गलत है, दिया गया उत्तर गलत है ये है, प्रश्न के हिंदी है तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, विराम चिन्ह के गलत स्थान पर लगने हैं इसके कारण भी नहीं, हिंदी अंग्रेजी नहीं, तो यही एक आपका है कि दिया गया उत्तर गलत है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि आपका एक्सप्लेन द वॉट इज रॉन्ग, तो एक्सप्लेन क्या रॉन्ग करना है वही लिखना है, तो चाहे तो आप हिंदी या अंग्रेजी जिस भाषा में आपको आसानी लगे लिख दीजिए इसको, और चाहिए तो सोल्यूशन भी आप टाइप करके लिख सकते हैं। तो 122 का यही लिखूंगा मैं कि कैपिटल में लिखें तो बेटर है, सर अकॉर्डिंग टू मी आंसर, या आप ज़्यादा एक थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज करें, सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा आपको सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी सही लग रहा है इसका, वही लिख दे रहे हैं वेस्ट, और इसका सोल्यूशन भी नीचे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए कोई भी आप ऑफिशियल सेट नहीं ले सकते हैं कोई भी जगह, क्योंकि देखा भी था मैंने ये क्वेश्चन को काफ़ी जगह, तो ये बैंक का एक क्वेश्चन आया था उसमें ये था, और डायरेक्शन में और रीजनिंग में भी एक यहाँ बैंक का ही क्वेश्चन था, कोई SBIPO एग्जाम में, उसमें एक क्वेश्चन दिखा मुझे सेट में, तो मतलब कोई एग्जैक्ट बुक से तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ नहीं है, लॉजिकल चीज़ है, इसलिए आप लॉजिकली आंसर यहाँ लिख सकते हैं, तो द सोल्यूशन एंड द डायग्राम ग्राम इज अटैच्ड, अटैच कर सकते हैं आप। अब यहाँ जो फाइल है वही फोटो में लगा दूंगा, जो ये स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट तो नहीं है सच, मैंने फाइल बनाई है, तो ये इसको यहाँ लगा दिया, लगा दे रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ जो आपका सल्यूशन है वो भी इसको नीचे मैं सल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से सल्यूशन एक लिखा है मैंने कि 8 मीटर साउथ फ्रॉम ऑफिस लेफ्ट ईस्ट, इस तरह से करते कह रहे आपका ये आ गया 7 ईस्ट 7 मीटर, या आप कह सकते हैं कि नेट मूवमेंट यहाँ तक कर सकते हैं कि द थर्ड इन द कैंसिल आउट ईच अदर, फाइनली आप बना सकते हैं कि ऐसा एक नॉर्मल 8 मीटर साउथ गया, फिर लेफ्ट गया, फिर एंटी क्लॉक नॉर्थ गया, फिर ये गया, सबसे आसान यही है कि आप इसको कर दें, बस इसी को कॉपी पेस्ट में यहाँ कर दे रहा हूँ, अच्छा ये लोग कॉपी नहीं करने दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, तो बेटर ये रहेगा कि इसको टाइप कर देंगे। अब एक और क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को दिक्कत कर रहा है, और मैंने एग्जाम में वो लगाया था, बाद में जब मैंने आंसर की देखी मतलब जो डिस्कस हो रही थी यूट्यूब पे, उसमें मुझे लगा मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि आंसर गलत है, बट अभी मैंने फिर से इसको एक बार क्रॉस चेक किया, ये 109 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ये, और ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन लगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑब्जेक्शन ये, ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप लोग ऑब्जेक्ट जरूर करिएगा अगर आपको अलग लगता है कि
कि ये सही है या गलत है, जैसा भी जो मेरे अकॉर्डिंग है मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर किसी ने इसको लगाया तो वो उसका देख सकता है। क्वेश्चन क्या कहता था, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, तो पहले उत्तर की ओर 10 मीटर चला और फिर दाईं ओर चला 20 मीटर, आगे क्या लिखा है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है। अब यही क्वेश्चन में गड़बड़ थी जो अभी पढ़ने पे लगती है, कि क्वेश्चन में लग रहा है कि बोला गया है कि फिर वो मुड़कर दाईं ओर चल रहा है 20 मीटर, लेकिन यहाँ कहीं भी मुड़ना नहीं लिखा है, वही लिखता है कि फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है और फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है, तो दाईं ओर मुड़कर चलता है कि दाईं ओर चलता है, यही क्वेश्चन में एरर मतलब वो था। इंग्लिश में भी लिखा है कि देन 20 मीटर टू राइट, देन 20 मीटर टू द राइट वंस मोर एंड देन 10 मीटर टू द राइट अगेन, मींस वो राइट डायरेक्शन में ही दाईं दिशा में ही चलता जा रहा है, तो पहले 20 चला फिर 20 चला फिर 10 चला, तो 20 आपका 40 और 40 प्लस 10 50 हो गया, तो 50 और 10 का आप वो करेंगे स्क्वायर तो 2600 आएगा, 26 का अंडर रूट करेंगे तो आपको 51 समथिंग आएगा। इसका जो एस एच प्रूफ था वो मैंने यहाँ से देखा था, मतलब इसको पूरा कैलकुलेशन देखी उन्होंने, तो ये कहा है कि 10 मीटर चला और फिर विच इज ईस्ट, फिर 20 मीटर राइट अगेन, तो यही क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्डिंग में टफनेस थी। अब अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग जो सबको वही लग रहा है कि इसमें मुड़ रहा है और आंसर सारो ऑप्शन गलत है, तो आपको अगर लगता है प्रूफ के साथ आप लगा सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये था तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी प्रूफ और लगता है कि कोई और क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का है, ज़रूर करिए, बहुत इजी है, अपने साइट पे लॉगिन करके आप ऑब्जेक्शन में जाएंगे और देखेंगे यहाँ आपको क्या गलती लगती है वो लिखिएगा, प्लस यहाँ आपको लिखना है और अपनी एक फ़ाइल लगानी है, फाइल JPG और PDF में रहेगी तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करिए, और 25th की सेकेंड शिफ्ट में और कोई डाउट आपको लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए, तो अगर होगा तो एक ग्रुप बना लेंगे, उसमें और एक साथ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं।